फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है इंग्लिश में वो है इम्पोर्टेंट मॉडल्स। जो नॉर्मल मॉडल्स है कैन, कुड, वुड, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन जो स्पेशल मॉडल है, इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, वो आज अपन इस कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से मॉडल है वो। नीड नोट, डेयर नोट, डेयर्ड नोट, हाउ डेयर, हाउ डेयर्ड, हेड रेदर और हेड बेटर, ये कुछ मॉडल्स हैं जो सिमिलरली वैसे ही काम करते हैं जैसे कैन, कुड, माइट, ये सब काम करते हैं। इनके जस्ट बात क्या आता है, सबको पता है, मॉडल की बात क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और इनके बाद क्या नहीं आ सकता, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बाकी चीज़ें नहीं आ सकती, जैसे टू नहीं आ सकता, वर्ब के साथ एस या एस नहीं आ सकता, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, ओनली क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे कैन के साथ, वुड के साथ, कुड के साथ आती है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू नीड नोट, दो ऑप्शन है, मनी या टू मनी। अभी अभी नीड नोट, अभी नीड नोट क्या है, एक प्रॉपर मॉडल है, ये क्या है, मॉडल है। अब मॉडल का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मनी क्या वर्ब है, क्या मनी, मनी नहीं है वर्ब, ये क्या है, नाउन है। टू मनी भी नहीं आ सकते यहाँ पे, क्या ओनली क्या आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। मनी क्या है, नाउन है। कैसे पता चला नाउन है, नाउन कैसे पता करते, मैंने बताया था, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, ऐसे तो एडजेक्टिव पता करते हैं, नाउन कैसे पता करते हैं, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारा मनी, बोलने में सही लगा तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जिसको चीज़ समझ में नहीं आई, मैंने कैसे पता किया तुम्हारा गुड़, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, पिछले कुछ वीडियोज़ देखो, नाउन एडजेक्टिव के, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपकी क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाउन नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या है, वर्ब आएगी, तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। नीचे देखते हैं, यू नीड नो मनी। अब यहाँ पे जो नीड है ना, मॉडल क्या होता है, नीड नोट, नीड नो कोई मनी नहीं है, तो नीड क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये मनी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये नो क्या है, इसका पता होना चाहिए, ये है एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। सब्जेक्ट भी क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होते हैं। प्रोनाउन भी क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और जो ये आगे नो लग रहा है, ये क्या है, एडजेक्टिव, जो कि इस मनी की विशेषता बताता है। और ये जो नीड है ना, कौन सी मेन वर्ब है, टीवी है ये। यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है, नीड टीवी। व्हाट है, हुम से क्वेश्चन पूछो, क्या, किसकी आवश्यकता है, हुम, किसकी आवश्यकता है, हुम से क्वेश्चन पूछने पर जवाब मिल रहा है, हुम से क्वेश्चन पूछने पर अगर ऑब्जेक्ट पे अगर रिएक्शन जाए, हुम से मैंने क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्ट पे अगर रिएक्शन गया तो क्या हो जाएगा, ये टीवी हो जाएगी। नीड, नीड से क्वेश्चन पूछा, हुम से तुम्हें जरूरत है, किसकी, हुम यानी किसकी, किसकी जरूरत है, मनी की, इस पे एक्शन जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका, और ये टीवी हो जाएगी, और इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। समझ में आया, टीवी, आई टीवी के कुछ एक तीन चार पार्ट करे हैं मैंने, उनको अच्छे से देखना आपको, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, उसके पीछे मैंने एक्टिव स्पेसिव एडजेक्टिव नाउन वगैरह अच्छे से, वर्ब वगैरह अच्छे से बताया, तो उनके वीडियोस को देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको इंग्लिश, ठीक है। एग्जाम्पल है, यू नीड नोट, ऑप्शन है, हैव पे मनी। अब नीड नोट क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही हैव वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही है, और पे भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। और हैव के बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे दोनों, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्यों, पे से क्वेश्चन पूछो, यू नीड नॉट पे, तुम्हें जरूरत नहीं है पे, यानी पे करने की, यानी भुगतान करने की, किसकी, होम से क्वेश्चन पूछने पे इसको, इस पे रिएक्शन जा रहा है, होम से क्वेश्चन पूछ पे रिएक्शन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगी और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी टीवी हो जाएगी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो के होते हैं, या तो प्रीपोजिशन का होगा या फिर टीवी का होगा। अगर यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है और टीवी के किसी भी वर्ग के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रखा है, अगर वो सेंटेंस सही है तो वो टीवी ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यू हैड बेटर गॉन और गो बाय बस। अब यहाँ पे क्या आएगा, हैड बेटर। अब हैड बेटर क्या है, मॉडल है, अब मॉडल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिमिलरली तो ये आएगा, गॉन तो आएगा नहीं, ये वर्ग की थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती। अब बहुत सारे लगा देंगे, हेड आ रहा है तो वर्ग की थर्ड फॉर्म लगा दो, अरे गलत है, हैड बेटर कंप्लीट एक मॉडल है, तो मॉडल बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तो ये से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यू अवॉइड दिस डॉग। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है, हेड बेटर, मस्ट और शुड। यहाँ पे क्या आएगा, अब यू शुड अवॉइड भी बोलते हैं, यू शुड अवॉइड दिस डॉग, यू मस्ट अवॉइड दिस डॉग, और यू हैड बेटर दिस अवॉइड दिस डॉग। अब यहाँ पे कौन सा वाला बेटर है,
तो सबसे ज़्यादा बेटर है हेड बेटर, उसके बाद है मस्ट और उसके बाद है शुड। ठीक है, सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, मतलब ऐसे अगर स्टार मार करें अपन इसमें तो हेड बेटर को मिल जाएंगे 3 स्टार, मस्ट को मिल जाएंगे 2 स्टार और शुड को मिल जाएंगे 1 स्टार। मतलब तीनों सही है, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सा है, ये वाला सही है। ठीक है, ये क्यों सही है, क्योंकि जब भी किसी रिस्क से या डेंजर से बचने का सवाल हो ना, रिस्क या डेंजर से बचने का सवाल हो, उससे कोई बचना हो, तो वहाँ पे हमेशा हेड बेटर को यूज़ करते हैं। तो कुत्ते से बचना है तो हेड बेटर ज़्यादा सही है, और मस्ट और शुड भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही वो है। अगला है हाउ डेड यू हिट माई कार। अब हाउ डेड क्या हो जाएगा, ये एक मॉडल है, कंप्लीट एक मॉडल है ना, तो मॉडल के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हिट क्या हो जाएगा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तो ये ऐसे सही हो जाएगा। इसको करिए सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट करती हो जाएगा यू, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हाउ डेड यू हिट माई कार, तो मॉडल क्या हो जाएगा, हाउ डेड एक मॉडल हो जाएगा। ठीक है, मॉडल के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हिट क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और मॉडल्स है जिनके बाद क्या है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अभी भी कुछ अलग मॉडल्स है। ठीक है, तो कौन कौन से मॉडल है, यूज टू, ओ टू, हैव टू, हैड टू, इनके बाद क्या थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कौन कौन है वो, यूज टू, ओ टू, हैव टू, हैड टू। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव टू, अब आई हैव हो जाएगा मॉडल हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिखी रखी है, देयर। ठीक है, आई हैव टू गो देयर, अभी गो आई टी वी है, आई टी वी है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर से अगर क्वेश्चन पूछो कि व्हाट या हुम का, क्या और किससे, तो इस देर पे देर तो यहाँ कर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, या यहाँ तो पहली बात ऑब्जेक्ट भी नहीं है, और ये अगर इससे क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना तो भी आगे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। इसमें क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्रभावी हो रहा है, और आई टी यू में सब्जेक्ट ही प्रभावी होता है, यहाँ पे आई प्रभावी हो रहा है, आई हैव टू गो देर, मुझे वहाँ जाना पड़ा, जाना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मुझे जाना पड़ता है, इनकी मुझे जाना पड़ता है, नहीं कोई सब्जेक्ट मुझे जाना पड़ता है, तो क्या प्रभावी है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो आई टी यू में सब्जेक्ट प्रभावी होता है, इसमें तो आई टी यू में सब्जेक्ट प्रभावी है। अगला देखते हैं, आई यूज टू लिव इन दिल्ली, अब यूज टू क्या है, मॉडल हो जाएगा, लिव वर्क की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आई टी वी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्रभावी, मैं वहाँ रहा करता था, मैं दिल्ली में रहा करता था, अब दिल्ली में रहा करता था तो कौन रहा करता था, सब्जेक्ट रहा करता था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रभावी है, तो यहाँ पे टीवी नहीं है, ये आई टी वी हो जाएगी। ठीक है, आई टी में अब यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट भी नहीं है, और जो अगर इस अगर आप बोलो कि हाँ ये प्लेस आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है क्या, ये मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है ना प्लेस, तो प्लेस किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इनका जो इन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये दिल्ली। तो अगर टीवी होता है तो टीवी का तो अलग ऑब्जेक्ट होता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो का होता है, तो प्रीपोजिशन का या फिर टीवी का, तो ये जो ऑब्जेक्ट है दिल्ली, ये तो इस प्रीपोजिशन का ना, इनका इस प्रीपोजिशन का, इसका कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, लिव तो क्या है आई टी वी है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्रभावी है। आगे देखते हैं, वी ओ टू हेल्प द पुअर्स, द पुअर, अब यहाँ पे ओ टू है और शुड है। ठीक है, ओ टू और शुड है, तो यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे हेल्प दे रखा है वर्क के फर्स्ट फॉर्म, तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। ठीक है, दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि ये भी ओ टू क्या है, एक प्रॉपर मॉडल है, तो उसके वर्क के फर्स्ट फॉर्म, शुड भी एक मॉडल है, उसके वर्क के फर्स्ट फॉर्म, दोनों सही है। तो बात कर लेते हैं कि वो यूज टू का कैसे यूज करते हैं, यूज टू क्या है कि एक पास्ट की हैबिट के लिए, कि मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मैं दिल्ली में रहा करता था, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, अगर अपन स्पोकन में भी बोले तो आई यूज टू लिव इन दिल्ली, तो वहाँ पे यूज टू मॉडल ऑफ कंपल्सन, यानी कि मजबूरी हो कि आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू अटेंड द क्लास, मतलब जहाँ कंपल्सन हो, मजबूरी हो, अटेंड करना नहीं चाह रहे, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव टू। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं, जैसे शुड और ओट देखा आपने, शुड और ओट टू, शुड और ऑटो को क्या है, फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर और पास्ट दोनों के लिए, जैसे यू शुड हेल्प पुअर, मतलब तुम्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, यानी कि फ्यूचर में करनी चाहिए, है ना, यू ऑट टू हेल्प पुअर, तुम्हें पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, आप लोगों को, कि जो शुड है और ऑट है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए यूज करते हैं, जैसे फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे, जैसे बोला कि यार तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो जाना चाहिए यानी कि फ्यूचर में जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें लोगों की हेल्प करना चाहिए, यानी कि फ्यूचर में हेल्प करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड और ओट दोनों एक तरह सिमिलर है, तो फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। बात कर, मैंने अभी बोला कि ओट टू और शुड दोनों पास्ट के लिए भी यूज होते हैं, तो पास्ट के लिए कैसे, जैसे एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं आपको, एक दोस्त है, उसने एक पार्टी दी, और वो एक वो दोस्त क्या है, उस पार्टी में गया नहीं, तो दूसरा दोस्त उसे आकर क्या बोलेगा, यार तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए था, या फिर
एक क्लास थी और उसमें क्या है, उस बंदे ने क्या क्लास अटेंड नहीं करी और दूसरे दोस्त ने आकर बोला यार कि तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, ठीक है, तो कैसे बोलेगा, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, क्या बोलेगा वो, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, तुम्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, लास्ट मंडे जो क्लास हुई थी तुम्हें अटेंड करनी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, तो ऐसे बोलेगा वो। तो यहाँ पे क्या है, अब ये चीज़ क्या है, पास्ट की बात होगी ना, उसने करी नहीं तो पास्ट की बात होगी, और फ्यूचर के लिए मैंने बताया दिया यू शुड हैव अटेंड, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, पास्ट का हो गया, और शुड, यू शुड हेल्प द पुअर्स, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर की बात होगी, तुम्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, यानी कि वन वर्ड्स के, आज के वन वर्ड्स के चार वन वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड बने कॉस्मोपोलिटियन, कॉस्मोपोलिटियन यानी विश्व नागरिक, विश्व नागरिक, ठीक है। बात करें कोनाइजर, कौनसाइजर यानी कदरदान, जो दो दूसरों की कला और उसके जो उनके जो एक्टिंग स्किल्स है, उनके जो स्किल्स है, उनको जो कदर करता हो, उसकी जो नॉलेज रखता हो, तो क्या हो जाए, कदरदान। बात करते हैं अगला, तो अगला है कंसीरियस, कंसीरियस यानी दोष निकालने वाला, जो दूसरों की गलतियाँ निकालता हो, दोष निकालता रहता हो कि इसने इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो क्या हो जाएगा, कंसीरियस, है ना। आगे बढ़ते हैं कॉन्टेम्प्री, कॉन्टेम्प्री यानी समकालीन, कॉन्टेम्प्री यानी समकालीन, जो उसके 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 टाइम का हो, यानी कि जैसे अकबर के टाइम पे कौन था, तो वैसे कॉन्टेम्प्री यानी समकालीन। आगे देखते हैं, यह हो जाएगा अपने आइडम और फ्रेजेस। तो पहला देखते हैं टू हैव अ ग्रीन थंब, टू हैव अ ग्रीन थंब, टू हैव अ ग्रीन थंब यानी बागवानी में कुशल होना, यानी कि जो कुशल हो उसको क्या बोलेंगे, टू हेल्टर स्केल्टर यानी अफरा तफरी हो जाएगा। बाय लीफ एंड बाउंस, बाय लीफ एंड बाउंस यानी तेजी से, स्पीड से, तेजी से। बात करें अगला हरकुलिन टास्क, हरकुलिन टास्क यानी दुस्साहसिक कार्य, जो कठिन काम, ठीक है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट मॉडल थे जो पूछे जाते हैं नॉर्मल मॉडल्स के अलावा एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, तो ये आज कंप्लीट हो गए। टीवीआईटी भी अपने कंप्लीट कर ली है, फिर भी उनकी एक्सरसाइज अपन करते रहेंगे, ठीक है। और जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हो, जैसे नाउन एडजेक्टिव वर्ब मैंने बताया अच्छे से, टीवीआईटी भी बताया, तो उनको देखे ताकि आपकी जो इंग्लिश है बेसिक से कवर हो अच्छे से, आगे कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल, जो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और डेली में करंट अफेयर डाल रहा हूँ, सुबह पाँच से छः के बीच में, तो करंट अफेयर भी देखिए, उसमें करंट अफेयर करा रहा हूँ, साथ साथ उसकी जीके भी करा रहा हूँ, जैसे किसी भी देश का नाम आता है उसकी पूरी जीके बताता हूँ, उसका नाम ये है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये है, तो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।